अब हम घेरे का डिज़ाइन बनाते हैं। घेरे का डिज़ाइन की कटिंग हमने कर ली थी, अब हम ये चेपी टिकन की मदद से, ये देखें ये चेपी टिकन है, ये देखें चेपी टिकन से ही मैंने ये पतली स्ट्रिप काट ली है। आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपने इसको स्ट्रिप काट लेनी है। अब इस स्ट्रिप को हम गुलाई वाले डिज़ाइन पर इसको लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़कर, जिस तरह हम पोंचे का बनाते, ताकि इसको फोल्ड करने में हमें आसानी हो। इस तरह हम इसको मोड़ते जाएंगे और इसको चस्पा करते जाएंगे। इस तरह से आपने इसको चस्पा करते जाना है। ये देखें एक साइड का ये चिपक गई है चेपी, अब हम दूसरी तरफ इसको चिपकाएंगे। साथ इसको हम यूं फोल्ड करते जाएंगे। अब हम दूसरी जानब चेपी लगाएंगे। मैं लगा दी अब हमने इसको चेपी लगाकर फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके एजिस पर, यहाँ इसके आखिर पर सिलाई लगाते जाएंगे दोनों तरफ से, और फिर हमारा ये घेरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम एक्सटेंशन में लैस लगाएंगे। अब हम आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। जब हम सिलाई लगा रहे हैं, आपने सेम उसी तरीके से जहाँ हमने इस्त्री की फोल्ड बिठाई हुई है, वहीं आपने इसको सिलाई लगाते जाना। ये देखें इस तरीके से आपने एक पैर के वक्फे के साथ इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी। ये देखें यहाँ पे एक भी सिलवट नहीं है। ये एंड हो गया, अब हम लैस लगाएं। ये देखें जी आपका डिजाइन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। साइडों के चौक बनाएंगे, जिस तरह आम हम चौक या स्लिट्स बनाते हैं इस तरीके से। ये देखें जी आप लैस लगाने से पहले हम इसका घेरा बनाएंगे, ताकि लैस प्रॉपर लग सके और कोई इसकी साइडों से कपड़ा वगैरह ना निकले। अब ये घेरे के लिए हमने इसको यूं फोल्ड किया, जिस तरह आम घेरा बनाते हैं सेम उसी तरह आपने इस घेरे को भी बनाना है। मैं आपको लैस लगाने का तरीका सिखाऊंगी। अब मैं आपको लैस लगाकर दिखाती हूँ कि किस तरह लगानी। ये देखें मैंने मशीन का पैर बदल लिया है। आपके पास ऊपर लिंक नजर आ रहा होगा कि ये वीडियो में पैर किस तरह चेंज होते हैं। ये मैंने लैस ले ली है और इस लैस को मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद लैस नीचे अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, और इसको हम इधर रखेंगे। लैस अंदर की तरफ ये रखा है, ये जो लैस का कपड़ा है, और इस तरह इसके ऊपर ये कपड़ा रखा है अंदर की तरफ। आप ऊपर भी रख के लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज्यादा इस तरह अच्छी लग रही है। आप दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। ये देखिए ये लग गई। इसी तरीके से आपने तमाम लैस को लगा लिया। ये आप देख रहे हैं कितनी आसानी से लग रही है, मुझे कोई मुश्किल नहीं हो रही। एक पैर की लगाने का मकसद भी यही था कि लैस जो फैंसी है वो आसानी लग जाती है, कोई मसला नहीं होता। ये देखें एज पर आ रहा है,
सिलाई भी एज पर आ रही है जैसे आपने घेरा बनाना हो इस तरीके से। अब मैं यहां से इसको कॉर्नर को थोड़ा सा फोल्ड करूंगी इस तरीके से। ये देखें ऐसे सीधी थी, हल्का सा इसको कर्व दे दिया ऐसे, और मैं इधर लगा दूंगी इसको। ये देखें लगाने के बाद इसको मैंने थोड़ा टर्न किया ऐसे। ये आप देख लें मैंने इस तरह इसको लगाया, और आपने भी इसी तरीके से लगाते जाना। ये देखें अब यहाँ पे आया, तो यहाँ से मैं इसको ये कट कर दूंगी, ये मोती उतार लूंगी यहाँ से इस तरीके। हम इसको अंदर की जानेब फोल्ड कर दें, जहाँ पे मेरा एंड आना है ये देखें। ये मैं अब इसकी डबल सिलाई लगा रही हूँ, आपने भी इसको डबल कर लेना है एंड से ये देखे, ताकि ये पक्का हो जाए और इसकी सिलाई ना खुले। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको लेस लगाकर घेरे का डिजाइन मुकम्मल कर लिया है। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारी शर्ट मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ये चाकों पर भी लेस लगाई है। लेस लगाने का वही तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह ये लेस मैंने गले पर राउंड में यूं करके लगा दी है, ये इस तरह लगेगा जैसे नेकलेस पहना होता है। इसके साथ अब हमारा लास्ट और फाइनल टच है शर्ट्स को बटन लगाना। ये देखें मैंने ये वाले बटन इस्तेमाल किए हैं जो कि सेम मैचिंग में है, आप इसको डिफरेंट शेड के भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें मैं आपको इनको रख कर दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरीके से आपके बटन लगने हैं, और बटन लगाने का तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप ऊपर लिंक्स में बटन लगाने का तरीका देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग डिज़ाइनिंग समझ आ गई होगी, लेस किस तरह लगाते हैं और कहाँ इसको मोल्ड करते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नई डिज़ाइन के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू।